हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे यार स्टेशनरी लाइन के अंदर, स्टेशनरी सेक्शन के अंदर जो है पेन जो सेक्शन है, पेन का प्रोडक्ट होता है उसमें काफ़ी यार कंपटीशन चल रही है। तो दोस्तों यूनोमैक्स है, हाउजर है, फ्लेयर है, मॉन्टेक्स है, सेलो है, कुछ हद तक क्लासमेट और दूसरी भी कंपनियाँ जो है काफ़ी यार, रोरेटो है, रेनॉल्ड्स तो पुराना हो चुका है। तो दोस्तों ये नए नए मॉडल्स जो है अपने निकालते ही रहते हैं, अब इनको कैसे परवड़ता है पता नहीं है दोस्तों। बट यहाँ पे यार बहुत तगड़ा कंपटीशन है, हर 3 महीने 6 महीने के अंदर एक नया मॉडल, एक नया वर्जन जो है निकल के आता रहता है। तो यूनोमैक्स का जो जेल्ट्रॉन पेन था, या तो यूनोमैक्स का जो पेन है उसमें भी आपको काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिले थे। हाँ, पेंटोनिक भी जो है काफ़ी अभी तगड़ा जो है कॉम्पिटिशन दे रहा है, कुछ नया 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 पेन के अंदर मॉडिफिकेशन करके जो है ला रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यूनोमैक्स जो है पेन जिसका जेल पेन आता था जिसका नाम था जेल्ट्रॉन, तो इसके अंदर एक इन लोगों ने पर्ल फिनिशिंग वाला जो है, मोती जो होता है उसका फिनिशिंग वाला एक जेल पेन जो है निकाला है, और इसके अंदर आपको 3 जो है डिफरेंट वेरिएशन मिल जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो इंक आती है, इनका कहना है कि ये वाटर प्रूफ इंक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्ल का यहाँ पे सिम्बॉल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं काफ़ी बढ़िया जो इसका लुक देखने को मिल जाएगा। तो ये भी 10 रुपये का पेन है, प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो चलिए तीनों में से जो है एक एक पेन को निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों जो है लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके पहले इसके अलग अलग जो क्या बोलते हैं यूनोमैक्स के काफ़ी सारे पेन को मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो उसकी जो है बेस्ट क्या बोलते हैं उसकी वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बॉडी जो है इसका काफ़ी यार अट्रैक्टिव है, और हमारे यहाँ पे तो क्या है कि यार बच्चे जो है कुछ ना कुछ नया मांगने आ जाते हैं, तो उनके लिए भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि हर कुछ दिनों पे एक नई चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे फ्लेयर का जो है क्या बोलते हैं SRX पेन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, पेंटोनिक का VRT और पेंटोनिक का जो नॉर्मल पेन आता है, पेंटोनिक का जेल पेन आता है वो भी सक्सेसफुल रहा है, क्लासमेट ऑक्टेन जेल एंड बॉल पेन दोनों सक्सेसफुल रहा है। फिर उसके अलावा फ्लेयर का वुडी करके एक पेन आता है वो भी काफ़ी चला हुआ है, फिर हाउजर का ओक्स करके जो आता है पेन वो भी काफ़ी मार्केट में चला है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे पेन जो है, यूनोमैक्स का ये वाला पेन है, फिर इसका क्या बोलते हैं कि स्काई ब्लू कलर का जो पेन आता है वो भी काफ़ी चला है दोस्तों, ब्लैक कलर का पेन है, अब ये भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी चलेगा, बट गर्ल्स को ज़्यादा पसंद आया उस तरीके का ये लुक यहाँ पे है, तो ये मुझे लगता है कि गर्ल्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। अब इसकी रिफिल जो है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके की रिफ़िल मिल जाएगी, इसकी रिफ़िल अवेलेबल है कि नहीं एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ शायद होगी 5 या 6 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी, तो रिफ़िलेबल है प्रोडक्ट। तो इसका नॉर्मल जेल पेन ले लो या पॉल वाला जेल पेन ले लो, कोई भी ले लो, आपको रिफ़िल जो है आराम से मिल जाएगी, और पेन भी जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, 10 रुपये का पेन है। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं फ्लेयर जेल्ट्रॉन PARL। तो दोस्तों आप चाहें तो मेरी हैंडराइटिंग को 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, वैसे इतनी खास नहीं है, बट फिर भी जो है आप चाहें तो दे सकते हैं ब्लू पेन। उसके बाद यहाँ पे हम रेड पेन को ट्राई करते हैं, सुपर स्मूथ है दोस्तों। तो यार अब के समय में जो है ना इंक टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सारा जो है बदलाव आ चुका है। इंक और इसका जो बॉल है ना पहले के कंपैरिजन में बहुत ही यार स्मूथनेस रहती है, और हाथों को जो है ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहती है। तो इसको जो है एग्ज़ाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसको जो है आप अपने नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 10वीं 12वीं के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक 7वीं 8वीं के बच्चे जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा कॉलेज के बच्चे, डिप्लोमा कर रहे बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव जो है कमेंट में शेयर करिएगा दोस्तों। इसके अलावा जो है आपका फेवरेट पेन कौन सा है, कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल आप चाहें तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है अभी आप इंडिया में कहाँ पर रहते हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।